एक्ट दर्ज होने के विरोध में दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय रघुवंशी युवा क्षत्रिय महासमाज द्वारा नई सराय के ग्राम डुंगासरा में रघुवंशी समाज के व्यक्ति पर SC/ST दर्ज होने के खिलाफ दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि संग्राम सिंह रघुवंशी के खिलाफ देशराज जाटव द्वारा झूठा केस दर्ज कराया गया है। संग्राम सिंह रघुवंशी अपने मकान का काम देशराज जाटव से करवा रहा था, जिसके एवज में उसे 40,000 रुपए एडवांस में दिए थे, लेकिन देशराज जाटव द्वारा काम पूरा नहीं किया गया। वहीं जब संग्राम सिंह रघुवंशी ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया, जिसके विरोध में आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। के द्वारा बोला गया कि हमारा काम पूरा करिए, उनके द्वारा मना किया तो वह चला चोट करने लगा और थाना जाने की धमकी देने लगा। बाद में थाने जाकर इसकी हम सब निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों पर लगाए गए SC/ST एक्ट की तत्काल जांच होए, अतः श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की अति कृपा होगी। सोनगढ़ जिले के ग्राम डुंगासरा में अभी नईसरा थाना के अंतर्गत आता है, उसमें एक झूठा SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ है, जो कि हमारे लल्लू उर्फ अनिल रघुवंशी पर दर्ज कराया गया है। और ये बिल्कुल झूठा SC/ST एक्ट दर्ज कराया गया, इसमें जो प्रार्थी हैं उसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है बिल्कुल। वो जिसने ये एक्ट दर्ज करवाया है उसके साथ बिल्कुल पारिवारिक संबंध की तरह व्यवहार करते थे, उसे खाना खिलाते थे, घर पर रखते थे, फिर भी उसने अपने स्वार्थ के लिए बेईमानी से 40,000 रुपये रख लिए, 20,000 का काम पूरा हुआ था, उसके बाद भी इनके द्वारा मना करने पर भी सामान ट्रैक्टर में भर के ले जाने लगा, और बाद में जब मना किया गया तो गाली गलौज करने लगा, झगड़ने लगा और सामान भर के ले गया और थाने में जाकर झूठा SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देने लगा और जाकर प्रकरण दर्ज करवा दिया नईसरा थाने में जाकर। तो हम सरकार से सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि इस तरीके के झूठे प्रकरणों पर पाबंदी लगाई जाए, ठोस कदम उठाए जाएं, ऐसे ईमानदार और निर्दोष लोगों पर अगर इस तरीके के प्रकरण बनेंगे तो जनता में बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो जाएगी और इसका खामियाजा मध्य प्रदेश सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।